तो कोई लाजमी वाजबी नहीं हाँ है, ये देखे ना, ये बात है, लाजमी वाजबी नहीं है। बिल्कुल सही। अगर एक भी करना चाहे तो हाँ अकीकत तो ठीक हो है, जाएगा। बिल्कुल सही। असल में ये है कि अला बला दूर हो जाए बच्चे से, हाँ बिल्कुल सही, तो इसी तरह से बच्ची से भी वो दूर हो जाए, तो लाजिम और वाजिब नहीं है। बेहतर ये है कि हाँ ऐसा बेहतर करे। है। अच्छा, और अगर किसी के इसी पास तरह पैसे ना हो करने के, ये तो फिर मुतलक सदका, जो इस्तेआत हो जो भी हो, अल्लाह के रास्ते में जो दे सकता हो, चूंकि अकीके का मकसद भी यही होता है कि बच्चा जो है ठीक वो है। अकीके के बदले में रहन रखा होता है, और जब अकीका कर देता है तो बच्चे से आप कुछ सारी। और भी फरमा रहे थे मेरे ख्याल से, बाद मैंने आपकी काट दी थी, कुछ आप फरमा रहे थे इसके साथ ही, कुछ चंदन कह रहे थे। जी, मतलब मैं समझा नहीं। आप कुछ और फरमा रहे थे, मैंने आपकी गुफ्तगू में मुखिल हो गया था, उसको आप कुछ जी कहना जी चाह रहे थे, जी याद नहीं आ रहा था जी मुझे। याद हाँ नहीं चल, है। मतलब ये बात तो तय हो गई कि ये कोई लाजमी और वाजिब नहीं है, जी 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 ये तो हम कर सकते हैं, बिल्कुल एक भी कर सकते हैं। एक भी कर सकते हैं। और इसी तरह वो हज के मुतल्लिक, उन्होंने उम्रे के जी जी मुतल्लिक जी मालूम किया, जी तो हज एक फ़र्ज़ इबादत है, हाँ और उसके अंदर शर्त ये बयान की गई है कि जब तक महरम मुयस्सर ना हो तो आप हज पर नहीं जा सही, सकते। लेकिन ये शर्त जो है इमाम अबू हनीफा के नज़दीक है, और अगर इमाम शाफ़ी या इमाम मालिक को मसलक को ले लिया जाए तो फिर ये उनके नज़दीक जो है महरम का होना ज़रूरी नहीं बिल्कुल है, ठीक है, बिल्कुल सही उसके बग़ैर भी आपका हज हो सकता है। सही तो हम चूँकि फ़िक़्हा हनफी को फॉलो करते हैं, जी। और मुकम्मल एतमाद के साथ के इमाम अबू हनीफा ने जो कुछ पेश किया है वो भी कुरान और हदीस का खुलासा है, उसके पीछे भी कुरान और हदीस ही है, तो इसलिए महरम के बग़ैर हज का सफ़र भी नहीं करना चाहिए। सही, जब फ़र्ज़ नहीं कर सकते तो फिर उम्रा भी महरम के नहीं, बगैर हज का ही नहीं, कोई सफर ही नहीं करना चाहिए, कोई सफ़र सिर्फ भी हज नहीं का ही नहीं, करना बिल्कुल ठीक है जी। चाहिए। आप क्या फरमाएंगे? जी, अकीके के बारे में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का जो अमल है, जाहिर है वो सुन्नत इसी वजह से कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने लड़के के लिए 2 बकरे और लड़की के लिए 1 बकरा बयान फरमाया। इस चीज़ को वालादाक रख दिया जाए कि उसमें क्या हिकमत है, क्या फ़लसफ़ा है, लेकिन चूंकि हुजूर अकरम वो तो जाहिर सल्लम की है, बिल्कुल सुन्नत, ठीक है, बिल्कुल सही है। हाँ, जहाँ इस्तेआत नहीं है ये तो मैं आपसे सवाल तो इसलिए करता हूँ ना, मेरे पास आते रहते हैं जी सवाल जी आते जी। जहाँ इस्तेआत नहीं है तो वहाँ जाहिर सी बात है कि इस्लाम जो है वो आसान मज़हब है और आसानी फराहम करता है। कोई ऐसी बात जो फ़र्ज़ है उसमें भी रुख्सत दे दी जाती है। आदमी अगर सफ़र में है तो उस सूरत में अल्लाह तबारक व ताला ने तख़फीफ़ कर दी नमाज़ में कि 4 के बजाय 2 पढ़ सकता है, तो यहाँ तो फिर वो फ़र्ज़ भी नहीं है। तो उसमें अगर साहिब इस्तेआत नहीं है उस सूरत में वो जितना उसके पास जिस कदर मुमकिन हो मुमकिन हो वो वो कर दे, सदका कर बिल्कुल दे। ठीक है। इसी तरह महरम का, दूसरी, जो फुकहाए आनाफ के नज़दीक 3 दिन से ज़ायद अगर औरत बग़ैर महरम के सफ़र करेगी तो हर कदम पर उसको लानत अल्लाह ताला की तरफ से पड़ेगी, ये हदीस मुबारका में है। उसी से फुकहाए आनाफ जो है वो ये मसला अर्ज़ करते हैं कि 3 दिन से ज़ायद का सफ़र जो है वो बग़ैर महरम के अच्छा नहीं ये कर। जो 3 दिन से ज़ायद की बात हो रही है, जी जी मुफ्ती साहब इसमें थोड़ी रहनुमाई फरमाइएगा कि ये उस ज़माने का एक, ज़ाहिर है कि जी जब ऊँटों पे सफ़र होता था जी अब हाँ, तो उस जहाज़ में होता ज़माने है। की जो पैमाइश की गई तो वो तकरीबन 57.5 मील, जी यानी ऊँट की जो दरमियानी चाल से जो हाँ सफ़र हुआ करता हाँ था उस हाँ ज़माने में, हाँ वो आजकल के 57.5 मील की मकदार में। अगर इतनी मसाफत का वो सफ़र करना चाहती है नहीं, मगर वो उस, जो 3 दिन थे, जी, मैं वजाहत के वो साथ से पूछ आजकल, नहीं, वो जो पैमाइश की गई थी ना, उसमें तो रुकना, हाँ घोड़ों वो का सारे, चलना जी आना, जी मतलब उसमें तो खाना औरत को पीना, ज़रूरत पड़ सकती है ना। अब जहाज़ गया जी और जी वो तो जहाज़ तो 1 घंटे के अंदर वो जी जी सारे माइल्स, और उसमें औरत को उठना ही नहीं है, तो बैठी हुई बिल्कुल है बिल्कुल। कोई, तो ये इसमें भी तब भी करेंगे हम ये। असल में इसमें बहरहाल ये तो एक, चूंकि हदीस से एक मसला अख़्ज़ किया गया है, जी हदीस में इसकी ममानियत की गई है। अब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की इस हदीस मुबारका से फुकहाए अहनाफ ने जो मसला अख़्ज़ किया जी जी उसके मुताबिक 57.5 मील, अब वो चाहे आप जो है 1 घंटे में उस सफ़र को तय कर लें, चाहे उसको 3 दिन में तय करें, दोनों सूरतों में हुक्म एक ही होगा।
तीन दिन में तो अब हो नहीं सकता है 57.5 में, अब ये तो नहीं हो सकता मुफ्ती साहब, अब तो मुमकिन ही नहीं है ना। जी हाँ बिल्कुल, तीन दिन में मतलब तो मुमकिन से मुराद कहाँ 57.5 में तीन दिन में पैदल जी जैसे जो है वो अब पैदल पैदल अब कहाँ सफर होते जी, जैसे हक मेहर के मुतल्लिक आया है तो लॉन्ग मार्च हो गया पैदल। हदीस पाक के अंदर आया है कि 10 दिरहम जो है वो कम अज कम हक मेहर होना चाहिए, तो आज हमारे जमाने के अंदर उस 10 दिरहम को जब पैसे में कन्वर्ट किया गया तो कहा कि वो 2 तोले चंद माशे चांदी है, तो आज के जमाने में 3,000-4,000 रुपए तकरीबन बन जाते हैं। जिस तरह उसको इसमें कन्वर्ट किया वैसे इसको भी कर लेंगे, इसी तरह उलमा ने 58-48 मील या 57.5 मील इस तरह की एक हद मुतय्यन कर दी है। लेकिन सबसे अच्छी बात आप दोनों ने जो कही जो मैं मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि रसूल का हुक्म है, हमें तो ये देखना चाहिए कि इल्लत को देखा जाएगा। इल्लत ये है कि शरई सफर पाया जाए, चाहे वो 3 दिन के अंदर हो, चाहे वो मतलब यह है कि 1 घंटे के अंदर हो जाए या आधे घंटे के अंदर हो जाए। इल्लत जो है वो ये है कि शरई सफ़र पाया जाए, शरई सफ़र तकरीबन 48 मील या 57 मील बनता है या 76 किलोमीटर बनता है। जब इतना दूर औरत को जाना हो तो वो महरम के बग़ैर सफ़र ना करे। बहुत सारे मसाइल होते हैं, मसलन औरत के साथ कोई ऐसा हादसा पेश आ गया कि महरम ही औरत को उस मौके पर कोई सपोर्ट कर सकता है या उनका तआवुन कर सकता है, तो इस तरह से इस वजह से कहा गया कि औरत अकेली सफ़र ना करे। असल में 48 मील और जो 58 मील जो भी हैं उनका ताल्लुक या तो सिर्फ गाड़ी से हो सकता है या ट्रेन से, जहाज़ तो सैकड़ों मील में सफ़र करते हैं तो उधर तो हम इसको लगा ही नहीं सकते। तो अब ये बात हो गई कि गाड़ी में या ट्रेन से अगर कहीं जा रहे हैं तो फिर ये ज़रा बिल्कुल जैसे हम कहते हैं कि नमाज आप जो है वो कसर पढ़ेंगे जब आप शरई सफर करेंगे, और शरई सफर वही 76 किलोमीटर बिल्कुल सही बिल्कुल, जब आप जाने का इरादा करें चाहे वो आप जहाज के जरिए जाएं बिल्कुल, जैसे नमाज कसर हो जाएगी इसी तरह इस सफर का हुक्म दुरुस्त बिल्कुल सही। ये सब सवालात मैं इसलिए आपसे करता हूँ चूंकि मफहूम मुखालिफ को भी ज़रा समझाना होता है, बहुत सारे सवाल लोगों के उठते हैं, तो मेरा जी चाहता है कि मैं आपसे रहनुमाई हासिल करूं ताकि लोगों को बिल्कुल तशफ़ी हो जाए, और आप माशाल्लाह इतने खूबसूरत जवाबात हैं कि तशफ़ी होती है। बहुत शुक्रगुजार हूं मुफ्ती नदीम इकबाल साहब आपका और जनाब खालिद महमूद साहब आपका, आप दोनों शख्सियात आलिम और आलम में तशरीफ़ लाएँ। उलमाए कराम की गुफ्तगू के बाद नाज़रीन कराम गुंजाइश नहीं रहती कि कोई और बात की जाए, लेकिन ये मैं ज़रूर अर्ज़ करना चाहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें, आपके अक़वाल मुबारका, आप वैसे भी जवामियुल कलिम हैं और आप एक सत्र के अंदर और एक जुमले में पूरी कायनात कह जाते हैं, तो आपकी बातों में हिकमत है और हमारे लिए भलाई है। इसीलिए कुरान पाक में कहा गया है कि मा आताकुम अर्रसूल फ़खुज़ूहू व मा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल दें उसे ले लो और जिससे रोकें उससे रुक जाओ। तो ज़्यादा बहस मुबाहिसा हमें करना भी नहीं चाहिए, बस नबी की बातें सुननी चाहिए। नबी हमारे देखें उम्मत के लिए सबसे ज़्यादा मेहरबान और शफीक, और उम्मत तो मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ वरना तो पूरी इंसानियत के लिए सबसे मेहरबान और शफीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है, और वो कोई भी ऐसा अमल करने को कह नहीं सकते जो फितरत के ख़िलाफ़ हो, जो आदात के ख़िलाफ़ हो, जो रिवायात के ख़िलाफ़ हो, और जो सबसे बढ़कर ये कि हमारी इंसानी ज़िंदगी और माशरे से मुतसादिम हो। लेकिन हमें बहरहाल इन सब बातों के साथ साथ रसूल की एक और बात भी हमें सुननी चाहिए, और वो ये है वल अक्लु असलु दीनी, अक्ल मेरे दीन की असल है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिही व असहाबिही व बारिक वसल्लम वसल्ली अलैह। इसके साथ ही आलिम और आलम से आमिर लियाकत हुसैन को इजाज़त दीजिए। प्रोग्राम पेश करते हुए कोई गलती कोई सहव तो अपने रब के हुजूर मुआफ़ी का ख्वासगार और तौबा का तलबगार हूँ इस अपनेपन के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।